में अभी हम जा रहे हैं, चार लोग हैं, ये अमित स्टार दोस्तों और ये कमलेश भैया है हाय दोस्तों और ये सुमित स्टार यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं, कम से कम 5 किलोमीटर निकल आए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, कमलेश भैया के फ्रेंड है वहाँ पे कमलकांत भाई साहब, उनके पास जा रहे हैं, वो भी जाएंगे हमारे साथ में। और अभी वहाँ पे पहुँचने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक कि मैंने सोचा कि मैं गाड़ी का ही ब्लॉग बना लूँ। तो अभी हम निकलते हैं, आगरा के अहमदउल्ला मशहूर अहमदउल्ला के अंदर जा रहे हैं और आप लोगों को एक बढ़िया सी सुंदर सी बढ़िया इमारत दिखाएंगे और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आगरा के अहमदउल्ला मकबरा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, मैं अभी आगरा के मकबरा में अहमदउल्ला में आया हूँ और मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, ये देखिए, ये अहमदउल्ला मकबरा का अकबरा है। यहाँ मिर्जा के याश बेगम की अपनी पत्नी की स्मृति में बनाया गया था और इसके मकबरा का निर्माण 1622 ईस्वी में हुआ था और इसका रहने वाले ये मकबरा के सेवा में ही जन्म जाता है। प्रसिद्ध नूर जहाँ के पिता की सत्यता में मुमताज़ के महल के दादा थे जहांगीर के, जो 1699 में नूर जहाँ के विवाह के पश्चात बनाया गया था। तो दोस्तों मैं यहाँ आया हूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को अच्छी से सब्सक्राइब और आगरा के मकबरा का ये अहमदउल्ला है और इसमें 4 गेट बने हुए हैं। देखिए फर्स्ट गेट ये है और इसके बाद फर्स्ट गेट के बाद मैं सेकंड गेट दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखिए, ये थोड़ा सा नज़ारा दिख रहा है इधर, ये तो सेकंड गेट है, ये सामने जो आ रहा है ये सेकंड गेट है। इसके अलावा ये तुम्हारा, आपको फिर से मैं थर्ड गेट दिखाता हूँ, थर्ड वाला ये देखिए, ये थर्ड गेट है। और इसके आपको, अब मैं आपको लास्ट वाला गेट और दिखाऊंगा अभी सर। इतने मस्त लग रहे हैं, इनकी सुंदरता देखिए, इन पेड़ों की देखिए, इनके डिजाइन देखिए, डिजाइन देखिए इनकी, कितनी खूबसूरती से डिजाइन बनाई गई है इसकी। ये चार मीनार बना हुआ है, ये देखिए ऊपर की कितनी सुंदरता, बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है। और ये देखो, इसके बाद हम तुम्हें बताना चाह रहे थे कि ये फोर्थ वाला गेट है, इसके अंदर 4 गेट बनाए गए हैं। ये चारों गेटों को मैं आपको ये बारी बारी से दिखाया है। तो अनार के पेड़ खड़े हुए हैं इस पर, देखिए अनार कितने मस्त मस्त अनार लगे हुए। ये देखो सर, ये बताइए किस चीज़ का पेड़ है, इस पर देखिए कि कौन सा फल लग रहा है, मुझे इसका जानकारी नहीं है और आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ ये कौन सा फल है, ज़रा बताइए। देखिए ये आज मैं पहली बार देख रहा हूँ इन फलों को और एक पेड़ पे काफ़ी सारे फल लग रहे हैं। एक फल मैं तोड़ के चेक कर ले रहा हूँ क्या फल है, किस चीज़ का है। अभी मैंने ये देखिए दोस्तों, ये फल तोड़ा है और इसके अंदर पता नहीं क्या चीज़ है। जमुना के किनारे बना हुआ है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर देखने में, बड़ा ही आनंद आ रहा है इधर देखिए। और दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है यहाँ पर, देखिए यहाँ से ये नीचे दिख रहा है जो अंदर जाने का रास्ता है, ये देखिए यहाँ पे, और इसके अंदर कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, देखिए इसके अंदर कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये देखिए इनके अंदर सीढ़ियाँ हैं। ये यहाँ पे हमें लोग हैं और यहाँ पे ये फिरंगी लोग हैं, पर मैं जोर से आवाज़ से नहीं चीज़ सीख सकता क्योंकि ये सुन ले और इनको बुरा लग जाएगा। तो गाइस यहाँ पे ये वाला एक गेट खुला हुआ है, पता नहीं खुला हुआ है कि टूटा हुआ, देखिए गाइस। ओ गाइस पता चला गया होती है तो गाइस देखिए, और आगे जानकारी मैं तुम्हें थोड़ी बात दे दूंगा। तो गाइस ये बुड्ढा हमारे साथ वीडियो नहीं बना रहा है, फ्रंगी लोग हैं। गाइस देखिए यहाँ पे कमलेश भाई को लगी है प्यास, तो कितनी बेरहमी से पानी पी रहे हैं, देखो गाइस देखो, बहुत भयंकर प्यास लगी है इनको। अरे राम, तो कैसा लगा है पानी? बहुत गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कुछ पूछो मत, प्यास के मारे मेरा तो सीना धधक रहा था अंदर से। देखिए सर कैसे जब बेरहमी से पानी पी रहा है, मान लो कि जो ऐसा लग रहा है इसको फील हो रहा है कि जो मैं अमृत पी रहा है। तो गाइस यहाँ का पानी था खारा और वो हमको अच्छा नहीं लगा है, तो अब मेरे पेट में वो धुक धुक कर रहा है। भैया आप बताइए इनके बारे में। देखिए यहाँ पे अंदर ये जो दरगाह बना हुआ है, ये दरगाह देखिए आप लोगों को हम वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ तक आप पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, इससे हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। ये हमारा आगरा का अहमदउल्ला है, आगरा के अहमदउल्ला के अंदर ये चीज़ें देखने लायक है
और इधर देखिए, इधर मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए आप, ये जो जालियाँ बनी हुई हैं, ये जालियाँ हैं, इन जालियों के अंदर से ऐसी हवा आती है जैसे कि कभी एसी की हवा आती है। आपने एसी की हवा तो बहुत तेज होगी, लेकिन ये दरगाह के अंदर जो हवा आती है वो बहुत ही स्वीट और मस्त आती है हवा। और दोस्त देखिए, ये हमारी दरगाह बनी हुई है आगे, ये दरगाह है, देखिए दरगाह के साथ साथ हम इधर की भी जालियाँ दिखाते हैं आपको, इधर भी जालियाँ हैं। और आप दोस्तों ये देखिए, ऊपर ऊपर भी देखिए, ऊपर भी जालियाँ हैं। और दोस्तों इधर देखिए, इधर से एक दरवाज़ा गया है, इधर दरवाजे की निकलती है, हम लोग इधर आगे की साइड आते हैं, फिर हम इधर से निकल करके इधर भी हमारे यहाँ जालियाँ बनी हुई हैं, इधर से ठंडी ठंडी हवा आती है। और हम इनके भी आपको दिखाएंगे वीडियो में, हमने वीडियो में दिखा था यहाँ पे फुहार चलता है, जहाँ पे तो सूखा पड़ी है इस फुहारे में। तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है घुमट अंदर के अंदर, इसमें तालाब के अंदर, सॉरी तालाब सा बना हुआ है, इसके अंदर देखिए, इसमें से जब बारिश का मौसम होता है या पानी होता है, जब ठंडा मौसम होता है, तो इसके अंदर से पानी की फुहारें निकलती हैं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही मैजिक लगती है देखने में। तो दोस्तों अभी पानी नहीं है इसके अंदर, इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते।